आपने बाकी सभी की तरह एक नॉर्मल इंसान के रूप में इस पृथ्वी में जन्म लिया था, लेकिन मुझे पता है कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ही मरना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज हो जो इस पूरे कायनात में और किसी के भी पास नहीं है। आप मरने से पहले कुछ ऐसा करना चाहते हो जो इस दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता। आप चाहते हो कि आपके अंदर कुछ ऐसे अनोखे पावर्स हो जिसके जरिए आप ऐसे ऐसे काम कर पाओ जो एक आम इंसान के लिए करना नामुमकिन हो, जैसे कि मीडियमशिप यानी कि आत्माओं से बात करना, साइकोमेट्री यानी कि किसी भी इंसान को बस छू कर ही उस इंसान के बारे में सारी बातें जान लेना, लेविटेशन यानी कि हवा में तैरना, प्रीकॉग्निशन यानी कि फ्यूचर की बातें पहले से ही जान लेना, या फिर टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवल एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इन पावर्स को पाना चाहते तो हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन पावर्स को अचीव करे तो करे कैसे। और शायद आपके मन में एक डाउट भी है कि यार सच में ये पावर्स होते भी हैं या सिर्फ बकवास है। तो मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि ये सारे साइकिक एबिलिटीज सच में होते हैं और आप इन पावर्स को अचीव भी कर सकते हो। ये सारे साइकिक एबिलिटीज स्यूडो साइंस के अंदर आता है। साइंस जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, जो चीजें साइंस के परे हैं, उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए स्यूडो साइंस अलग अलग तरह के थियोरीज बनाते हैं जो कि ज्यादातर वक्त सही होते हैं, लेकिन कई बार स्यूडो साइंस गलत भी हो चुकी है। जैसे कि 2008 में यह कहा जा रहा था कि 2012 के 31 दिसंबर को यह दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और स्यूडो साइंस की यह थ्योरी गलत साबित हो गई। बट ऐसी बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं जिनको स्यूडो साइंस सही तरह से एक्सप्लेन कर देती है। जितने भी साइकिक एबिलिटीज हैं वो काम कैसे करते हैं और एक आम इंसान को कैसे ये सारी साइकिक एबिलिटीज मिल सकते हैं, इस चीज को स्यूडो साइंस आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। देखिए, एक इंसान को तभी साइकिक एबिलिटीज मिलते हैं जब उस इंसान की सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होती है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे पहुंच जाती है। कॉन्शियसनेस दैट मींस अपने आप के होने का एहसास। आप अपने मॉम या डैड के एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को ही महसूस कर सकते हो कि हाँ मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। आपके अंदर ये जो मैं वाली फीलिंग है उसे ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। और आपकी ये कॉन्शियसनेस जब इंक्रीज हो जाती है तभी आपको सुपर पावर्स मिलते हैं। लोग कहते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो हमारा ब्रेन क्रिएट करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। असल में आपके अंदर ये जो मैं वाली फीलिंग है यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस, वो आपके शरीर के अंदर नहीं बल्कि आपके शरीर के बाहर है। इस ब्रह्मांड के हर जगह कॉन्शियसनेस मौजूद है। ये ब्रह्मांड खुद अपने आप को फील कर पाता है एक जीवित प्राणी की तरह, और ब्रह्मांड का ये कॉन्शियसनेस ही सबसे हायर लेवल का कॉन्शियसनेस है, जिसे गॉड कॉन्शियसनेस या यूनिटी कॉन्शियसनेस कहा जाता है। आपकी बॉडी सिर्फ इस कॉन्शियसनेस को कुछ हद तक रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण आप अपने आप को फील कर पाते हो, आपको अपने जिंदा होने का एहसास होता है। आप जितना ज्यादा इस कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट कर पाओगे उतना ही ज्यादा आप अलग अलग तरह के अलौकिक चीजें कर पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, पेड़ पौधे जो है वो इस कॉन्शियसनेस को उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते जितना कि पशु पक्षियां कर पाती हैं। इसीलिए पेड़ पौधों के लिए वो चीजें करना नामुमकिन है जो चीजें एनिमल्स आसानी से कर देती हैं, जैसे कि मुंह से आवाज निकालना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। लेकिन वहीं हम इंसान जो चीजें आसानी से कर देते हैं वो चीज़ें एक जानवर कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसानों का शरीर एक जानवर के शरीर के मुकाबले ज़्यादा कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट कर पाता है। एक गधे को अगर आप पूछोगे कि भाई 2 साल पहले तू कहाँ रहता था या फिर तेरे माँ बाप कौन है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो ना ही आपकी बातों को कुछ समझ पाएगा और ना ही कुछ कह पाएगा। और दूसरी बात ये है कि गधे के लिए अपने पास्ट को याद करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना कि एक इंसान के लिए फ्यूचर देखना। हमारे लिए अपने अतीत को याद करना एक आसान बात हो सकती है, लेकिन एक जानवर ऐसा कभी नहीं कर सकता।
हम इंसान अभी कॉन्शियसनेस के जिस लेवल पे हैं, वहां से अपने पास्ट को याद करना पॉसिबल है, लेकिन पहले से ही अपने फ्यूचर को देख लेना इम्पॉसिबल। बट अगर आपने अपने कॉन्शियसनेस को गॉड कॉन्शियसनेस के लेवल पर लेके चले जाओ, तो आप सिर्फ फ्यूचर देखना तो क्या, वो सारी अलौकिक चीजें कर पाओगे जो अभी तक आपने सिर्फ मूवीज में ही देखा होगा। स्यूडो साइंस के मुताबिक इस ब्रह्मांड में कई ऐसे जीवों का अस्तित्व हो सकता है जो कॉन्शियसनेस को इंसानों से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाता होगा। तो जाहिर सी बात है कि उन जीवों के पास कुछ ऐसे सुपर पावर्स होंगे जो हम इंसानों के पास नहीं है। तो इसीलिए शुक्र मनाओ कि अभी तक किसी एलियन के साथ हमारा पाला नहीं पड़ा, नहीं तो अभी तक इंसानों का अस्तित्व ही मिट चुका होता। वैसे एज ए ह्यूमन बीइंग आज हम ऐसे मुकाम पे हैं कि कोशिश करने से हम अपने कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। सच कहूं तो गॉड कॉन्शियसनेस को अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज तक मैंने ऐसे किसी भी इंसान के बारे में नहीं सुना जो गॉड कॉन्शियसनेस तक पहुंच पाया हो, सिर्फ गौतम बुद्ध एंड मे बी स्वामी विवेकानंद को छोड़कर। भले ही आप गॉड कॉन्शियसनेस को अचीव ना कर पाओ, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे कॉन्शियसनेस के लेवल्स होते हैं, जैसे कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। अगर आप किसी तरह इस कॉन्शियसनेस तक भी पहुंच जाओ, तो आपको ऐसे ऐसे सुपर पावर्स मिलेंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके अंदर कैसे कैसे पावर्स हैं, और क्या पता कि आप गॉड कॉन्शियसनेस तक भी पहुंच जाएं। देखिए, अपने कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने के दो ही तरीके हैं, जिनमें से एक तो आपको पता ही है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेडिटेशन। डीपली मेडिटेशन करने से आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाती है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग पहले से ही मेडिटेशन करते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 15 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। तो मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि इतने से मेडिटेशन से कुछ नहीं होने वाला। आपको कम से कम हर दिन 2 घंटे मेडिटेशन तो करना ही है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि यार 2 घंटे मेडिटेशन करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मेडिटेशन करते वक्त पहले के 10 से 15 मिनट ही डिफिकल्ट होते हैं। उसके बाद जब आप मेडिटेशन के डीप स्टेट में पहुंच जाते हो, तब अगर आप 1 महीने भी मेडिटेशन करते रहोगे, फिर भी जब आप अपनी आंखें खोलोगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि भाई 2 मिनट पहले ही तो स्टार्ट किया था। सो कोशिश करना है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ही ज्यादा मेडिटेशन आप कर पाओ। दूसरा टेक्निक है बी प्रेजेंट, मतलब हमेशा आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, तो उस चीज को आपको पूरे फोकस के साथ तब तक देखते रहना है जब तक आप उसे देख सको। अगर आप किसी जगह बैठे हो, तो उस जगह के आसपास से कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं, ये आपको ध्यान से नोटिस करना है। अगर कुछ खा रहे हो, तो उस खाने के स्वाद को अच्छी तरह से फील करना है। आप जो भी करें, वो पूरे फोकस के साथ करें। इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होने लगती है। वैसे मैं अपनी वीडियोस में जो साधनाओं के बारे में बताता रहता हूँ, उन साधनाओं को करने से भी आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हमेशा सच बोलना भी एक तरह का साधना है, जिसे सत्य साधना कहते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे साधनाएं होती हैं, लाइक कभी भी सेक्स या हस्तमैथुन ना करना, यानी कि ब्रह्मचर्य। जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज चोरी ना करना, यानी कि अस्तेय, एंड सो ऑन। इन सारे साधनाओं से धीरे धीरे आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होने लगती है। देखिए, मैं आप लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे दिल में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि इन दोनों टेक्निक से कौन कौन से सुपर पावर्स मिलते हैं और आपको कितनी देर तक ये सुपर पावर्स मिलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि सही तरह से इन प्रोसेस को फॉलो करने से कोई एक ना एक सुपर पावर आपको तो ज़रूर मिलेंगे। सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप गॉड कॉन्शियसनेस को पाना चाहते हो, और लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाना चाहते रहते हो तो।